नमस्कार राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है मैं हूं उर्मिलेश मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उग्रता आतंक और विद्रोह का कवरेज कैसे होता है हमारे देश के मुख्य धारा के मीडिया में आतंक विद्रोह और उग्रता के मामलों का कवरेज यह विषय इसलिए भी हमारे दिमाग में आया कि हाल में छत्तीसगढ़ के दरवा वैली में जिस तरह पच्चीस मई को एक बड़ी घटना घटी उसके बाद एक बार फिर बहस छिड़ी कि हमारे देश में आखिर जो इस तरह की घटनाओं का अखबारों में चैनलों में प्रसारण माध्यमों में जिस तरह कवरेज होता है आखिर किस तरह की कवरेज है वो इसकी क्या खामियां हैं हम इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे हम ये देखेंगे कि इस तरह के कन्फ्लिक्ट जोन में क्या हो रहा है मीडिया की तरफ से कैसी पहल हो रही है हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए चार खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त शेखर अय्यर हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर जोशी जो स्वयं में काफी घूम घूम कर रिपोर्टिंग करते रहे हैं एनडीटीवी के एसोसिएट एडिटर हैं हमारे साथ हैं संदीप भूषण जामिया मिलिया में पढ़ाते हैं मीडिया समीक्षक हैं और हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे पंजाब के आतंकवाद के दौर में लगभग उन्नीस सौ चौरासी से पचानवे के बीच में लगातार जिन्होंने विभिन्न अखबारों में मैगजीनों के लिए कवर किया ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर और तमाम तरह के मामलों को गोविंद ठुकराल वरिष्ठ पत्रकार बातचीत की शुरुआत शेखर हम आपसे करेंगे आपसे अगर मैं पूछूं एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे कि अभी अपने देश में मुख्य धारा का मीडिया आतंकवाद को उग्रवाद को विद्रोह को तनाव के जो पहलू हैं समाज में राजनीति में विभिन्न क्षेत्रों में उसको जिस तरह कवर कर रहा है आप उससे कितने संतुष्ट हैं और अगर संतुष्ट पूरी तरह नहीं है तो क्या वो बिंदु हैं जहां और कुछ होना चाहिए देखिए अगर कवरेज को देखा जाए जैसा समय है वैसा कवरेज है जैसा सरकार की दृष्टिकोण है वैसा कवरेज है और जैसे जितना सेंसेशनल है उतना कवरेज है और इस बार भी हमने देखा जो छत्तीसगढ़ की घटना को कवरेज बड़ा कंपीट करना पड़ा आईपीएल के साथ ऐसे कई अखबारों में आईपीएल का मेन लीड था और ये नीचे था जब अगले दिन ही इनको पता चला कि उतना कितना इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है अगले दिन पता चला तो अगर कवरेज के हिसाब से आप देखें हर कवरेज में ऐसा है कि जो मूवमेंट उस वक्त का जो जो हेडलाइन जो कैचिंग है वहीं पर होता है लेकिन बाद में पुलिस का वर्षन सरकार का वर्शन एकेडमिक वर्षन बाकी सबका अलग अलग जो दृष्टिकोण आता है लेकिन जो मूल प्रॉब्लम जो बार बार उभर के आता है उस पर ध्यान ज़्यादा समय नहीं रहता क्योंकि उसके बाद जैसे ही वो घटना पीछे चला जाता है फिर मीडिया का अटेंशन दूसरे चीज़ों पे है क्योंकि नक्सल मामला जैसे ही लेकिन आपने शिखर जिक्र किया आई का ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैंने ये देखा और आप सबने देखा कि जाहिर है कोई भी मानेगा चाहे वो पोलिटिकल क्लास हो मीडिया के लोग हों सोशल लाइफ में जितने लोग जितने तरह के लोग हो सकते हैं अगर सबके नुमाइंदों से पूछा जाए तो जो दरभा वैली में घटना घटी वो जाहिर तौर पे पूरे सप्ताह की सबसे बड़ी घटना थी इस देश की उससे बड़ी कोई खबर नहीं थी इतना बड़ा हिंसक हादसा इतने उसके इंप्लीकेशन सोशल लाइफ के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए लेकिन इसके बावजूद कई अखबारों में कई चैनलों में देखा गया कि आईपीएल ही छाया रहा उसके बाद भी घटित होने के बाद भी सेकंड लीड यह घटना बनाई गई कई अखबारों में और कई चैनलों में डिस्कशंस तक लगातार आईपीएल पर होते रहे इस घटना पर बीच बीच में कुछ डिस्कशन हुए लेकिन हिंदी मीडिया ने खास तौर, खास तौर तौर पे हिंदी मीडिया ने अंग्रेजी के मुकाबले इसको ज्यादा तवज्जो दी लेकिन ये जो एक पहलू उभर कर आया अंग्रेजी मीडिया का खासकर चैनलों का इसे किस रूप में आप देखते हैं मतलब एक जो चीज होते हैं कि कवरेज में हमेशा एक जो मेन पॉइंट रहता है पब्लिक इंटरेस्ट क्या श्रीनिवासन रहना जाना उस दिन के लिए उस दिन के लिए मैं तीन दिन बाद की भी बात कर रहा हूं केवल उस दिन की नहीं वो इतना इम्पोर्टेंट था कि इतना बड़ा घटना जो हुआ कि एक राज्य में सारा एक पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का नियरली उनके जो लीडरशिप है वो खत्म हो गया पीसीसी प्रेसिडेंट एक प्रमुख नेता बहुत सारे आई मीन ऐसे नेता एक 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 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो रह चुका हो इस देश का उस पर हमला हुआ और कुल मिलाकर जो वहां पहलू उभर कर आ रहे हैं उस इलाके में उसमें कंफ्लिक जोन में एक नया डायमेंशन जोड़ा लेकिन लेकिन उतना मीडिया का नहीं रहा मतलब बाद में जब जब वहां जाने के के बाद रिपोर्टर्स पहुंचे तब उसका का पता चला ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज की बात हुई यहां पर कैसे उस घटना को उस तरह तवज्जो नहीं दी गई खासकर इंग्लिश मीडिया में शायद आप भी इस बात से सहमत हो लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि आखिर वजह क्या है कि हम देश के तमाम बड़े लोग कहते हैं कि इस देश में इस तरह के जो माविस्ट हैं वो आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं ये भी कहते हैं हम सब लोग कि छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे इलाके हमारे लिए बेहद अहम है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हम ये भी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तनाव के जितने इलाके हैं सबको बेहद इंपॉर्टेंट मानते हैं लेकिन जो राष्ट्रीय चैनल हैं जो राष्ट्रीय अखबार हैं उनके शायद ही रिप्रेजेंटेटिव उस इलाके में पोस्टेड हों लोग जाते हैं हवाई जहाज से और फिर चले आते हैं लेकिन हवाई उड़ानों से जाकर आई आई मीन मीन कितना कितना आप कवर कर सकते हैं और संवेदनशीलता को को कितनी वहां की जमीनी हकीकत समझ सकते हैं तो इसको आप कैसे कैसे रूप में दे, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज से छह सात साल पहले जब मैंने इतना इंटेंसली छत्तीसगढ़ को कवर करना शुरू नहीं किया था तो मेरी समझ इतनी विकसित नहीं थी अभी तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीयता जो है यह एक सिर्फ ढकोसला है क्योंकि छत्तीसगढ़ के ट्राई जंक्शन पर अगर आप देखें जहां आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिलते हैं वहां पर इतना इंटरनली माइग्रेटेड पॉपुलेशन रहती है लेकिन आप उन्हें यू डोंट कॉल देम रिफ्यूजीज क्योंकि वो एक कंट्री के अंदर रहते हैं जिसका नाम इंडिया है तो यही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जहां पर इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या इंटरनली पॉपुले माइग्रेटेड है और और बार बार माइग्रेट हो रही है एक बार नहीं कई बार माइग्रेट हो रही है और उसको नेता जो अभी बात कर रहे हैं वो उसके बारे में बात नहीं करते ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा विरोधाभास है कि टेलीविजन मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव उड़ीसा झारखंड और छत्तीसगढ़ में नदारद हैं वो मीडिया बार बार हम जाते हैं लगातार है, मैं मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक ऐसे संस्थान में हूँ जो मुझे इतना पैसा खर्च करता है इसको करने में और कर, उत्साहित करता है कि मैं कवर करूं लेकिन आपको याद होगा जब छिहत्तर जवान मरे थे तो हम बहुत कम टेलीविजन टीम वहां पहुंची थी जिसमें मैं था और उस वक्त सारे चैनल क्या दिखा रहे थे सानिया मिर्जा और शोएब शो, की, की शादी दिखा रहे थे लेकिन हृदेश मेरा सवाल यही है, है कि आखिर मेन मीडिया का बड़ा हिस्सा जो समझता है कि इस देश को जानता है ज्यादा पोलिटिकल क्लास से भी ज्यादा जानता है सोशोलॉजिस्ट से भी जानता है एकेडमिशियन से भी ज्यादा जानता है आखिर वो क्यों रिपोर्ट करने के लिए इतनी चूक करता है वहां क्यों नहीं लोग उसके देखिए इसका इसका जो सीधा सा असर है वो टेलीविजन की इकोनॉमिक्स से है हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है इवन जब रिसेशन था तब भी कई जगह आपने प, आ, पढ़ा होगा पी साईनाथ ने तो इस बारे में खुलकर लिखा भी कि टेलीविजन चैनल्स में और अखबारों में कहा जा रहा था कि फ़ील गुड स्टोरीज़ दिखाइए ऐसा मत दिखाइए कि कोई डिस्पोन्डेंसी है वैसे ही आदिवासियों के चेहरे या गरीब लोगों को देखना टेलीविजन में ऐसा लगता है लोगों को कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है और वो एक बहुत बड़ी वजह है कि आदिवासी इलाकों में कोई जाता नहीं उसकी रिपोर्टिंग कोई करने करने के लिए उत्साहित नहीं करता और संदीप अगर हमने देखा आपने देखा कि खबर भी जो आती है हम हृदय या उनके चैनल की बात अगर ना करें अपवाद स्वरूप कुछ चैनल ऐसे हैं कुछ अखबार ऐसे हो सकते हैं जाहिर है कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हिंदू है एक्सप्रेस ने भी इस तरह की रिपोर्टिंग बहुत शानदार की इसमें कोई दो नहीं है लेकिन जो इन जनरल अगर हम मेन मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है कि बाइट कलेक्टर्स आई मीन जो 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 केवल बाइट इकट्ठा करने के लिए कुछ लोगों को अचानक सौंप दिया जाता है कि तुम तुम्हारा काम बाइट लाना है कुछ लोगों को कहा जाता है कि तुम्हें जो डेड बॉडीज हैं उनकी तस्वीरें केवल लानी है कुछ लोगों को कह दिया जाता है कि तुम कमांडोज की तस्वीरें लो कुछ कह दिया जाता है कि जो नक्सल कमांडर माविस्ट कमांडर है उनकी तस्वीरें लो तो कुल मिलाकर ये फुटेज को लेकर और बाइट को लेकर इस तरह का जो जर्नलिज्म है जहाँ डीप जो समस्या है जो गहरी समस्या है उसकी पड़ताल की कोई कोशिश नहीं है ये भी नहीं है कि कैसे राज्य को समाज को मदद कर सकते हैं इस समस्या को समझाने में और उस समस्या के समझ से पैदा हुए जो 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 जो, जो दिशा है उसका एक दबाव बनाने में इस इसमें उर्मिला क्लास और एज अ प्रेस वी हैव कंप्लीटली फेल्ड दीज पार्ट्स। मैंने जिस तरह से लोग कहते हैं कि राजनीतिक दलों ने इन इन एरियाज़ को नज़रअाज़ किया है सत्ता के जो बेनिफिट्स होने चाहिए छः सात दशक के बाद वो नहीं पहुँचे उस तरह से मीडिया ने भी उसी प्रकार से जैसे शेखर ने पहले बताया कि हमने जो गवर्नमेंट का नजरिया लिया है सो जिस तरह की खबर और जिस इलाके को गवर्नमेंट बहुत महत्वपूर्ण समझती है वहाँ पर हमारे लोग रहते हैं और ख़ास करके 2008-2009 के बाद जो ये पूरा मेल्टडाउन हुआ है उसमें सारे एटलीस्ट जो टेलीविजन जिस लाइन पे मैंने भी काम किया है वहाँ पर सारे तक तकरीबन हर चैनल में हिंदी इंग्लिश ब्यूरो बिल्कुल डिसबैंड कर दिए गए उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट में तो क्या पहले भी नहीं था और अब तो और कम हो गया है तो कुल मिला के समस्या यह है कि नॉट ओनली इज देयर आदर नो रिपोर्टर्स पूरा

जो एंकर हैं और जो रिपोर्टर्स हैं जो बड़े सीनियर लेवल के डिस्कशन करने वाले लोग हैं वो सलवा जुलुम कह मैंने कहा भैया इतना मत करो ये 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 मीडिया का जुड़म ठीक नहीं है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं सलवा तो जब कॉमन एक बहुत ही साधारण चीज नहीं जानते कि शब्द का क्या मतलब है आप ये नहीं समझते कि उग्रता का क्या मतलब है आप ये नहीं जानते टेररिज्म का क्या मतलब है तो आई थिंक बेसिक कुछ चीजें मीडिया से मिस कर रही है हम जाते हैं गोविंद ठुकराल जो वर्षों आ, कवर जिन्होंने पंजाब की मिलिटेंसी को किया है और जिन्होंने एक बेहतरीन किताब भी लिखी है कि ट्रबल रिफ्लेक्शन रिपोर्टिंग वायलेंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो के तौर पे गोविंद ठुकराल आपका मीडिया मंथन के इस चर्चा में आपका स्वागत है हम सर यह जानना चाहते हैं कि पंजाब में जिस वक्त आतंकवाद था उस वक्त मीडिया जिस तरह से कवर कर रहा था उसको और आज जिस तरह विभिन्न इलाकों में जो उग्रता दिखाई दे रही है कई जगह आतंक है, कई जगह इंसर्जेंसी है कई जगह लोगों में गहरी नाराजगी है जिसका रिफ्लेक्शन कई बार वायलेंस में होता है जो कवरेज मीडिया कर रहा है मीडिया इतना विस्तार पा चुका है पंजाब की घटना के बाद से इतने चैनल हमारे पास हैं, इतने अखबार हैं आपको आज ये मीडिया में जो कवरेज है कैसा लगता है देखिए मेरे दोस्तों ने कई बातों का जिक्र कर दिया है पहले ही देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया का किसी वायलेंस को चाहे वो पोलिटिकल वायलेंस है चाहे वैसे वायलेंस है कमुनल वायलेंस है उसका पर्पस क्या होगा क्या दिखाना चाहता है क्या वो चाहता है कि लोग उसको अंडरस्टैंड करें पब्लिक उसको अंडरस्टैंड करे अपना इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाए और वो गवर्नमेंट पे पॉलिसी मेकर्स पे प्रेशर के तौर पे काम कर सके या वो चाहता है कि ऊपर की सतही तौर पे सुपरफिशियल लेवल पे घटना का जिक्र हो जाए घटना की बात की जाए प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, है, तो काम किया अब बीबीसी मेरे से कुछ नहीं पूछता उन दिनों में सुबह शाम दोपहर तक हमसे पूछते थे लेकिन ज्यादा घटनाओं के बारे में भिक्कीब में क्या हुआ गुरदासपुर में क्या हुआ कौन लोग थे क्या हुआ छोटी सी दो तीन मिनट की वार्ता उसके बाद खत्म यही हिंदुस्तान में जो चैनल्स हैं और बाकी हैं मीडिया जो है हम ऊपर की सतही बात को ऊपर की घटना को लेकर चलते हैं कुछ तो हम स्ट्रक्चर्ड ऐसे हैं कि हमें हर रोज की नई घटना नई बात पे जिक्र करना पड़ेगा कुछ हमारा जो मीडिया का जो ओनरशिप पैटर्न है जो कमर्शियल पैटर्न है जो प्रॉफिट की तरफ चलता है जैसे पहले जिक्र हुआ तब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे जब तक उसका कमर्शियल वैल्यू नहीं बनेंगे कमर्शियल वैल्यू कैसे बनेगी हम इस बात की चिंता नहीं कर रहे कि हिंदुस्तान में 200 जिलों में इस वक्त जहाँ बहिस्टों का प्रभाव बड़ा है वहाँ हिंदुस्तान की सरकार या वहाँ के प्रदेश की सरकार का बोलबाला नहीं है वहाँ सरकार नाम की कई जगह चीज ही नहीं है कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा जो पैसा ऊपर से जा रहा है वो खाया जा रहा है और वहाँ की जो मिनरल वेल्थ है या फॉरेस्ट वेल्थ है उससे उन लोगों को बाकायदा सिस्टमेटिकली बाहर किया जा रहा है अब आप अगर कहानी को किसी बात को पूरे संदर्भ में पूरे ढंग से बयान नहीं करेंगे लोगों की समझ में ये नहीं आएगा देखिए कुछ एजेंसीज हैं जो आत, आतंकवादी शब्द ही नहीं इस्तेमाल करती विद्रोह शब्द इस्तेमाल करती या पॉलिटिकल वायलेंस पॉलिटिकल वायलेंस की बात करती है गोविंद जी यहाँ पे हमारे जो बैठे हैं स्टूडियो में मेहमान हृदय जोशी और संदीप भूषण ये दोनों ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जो एक कमर्शलाइजेशन जिसकी आप चर्चा कर रहे थे वो हावी है कवरेज में और दृष्टिकोण जो बन रहा है कि किस तरह घटनाओं को कवर किया जाए वो बेसिकली व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही बन रहा है व्यावसायिक उसके पीछे दिशा है तो लेकिन आप जब पंजाब कवर कर रहे थे जिसकी जिसका जिक्र आपने इस किताब में भी किया और आप कह रहे थे उस वक्त कि स्टेट और मिलिटेंट्स टेररिस्ट दोनों पक्षों की तरफ से पत्रकारों पर मीडिया संस्थानों पर भारी दबाव होता था कि ये करना है ये नहीं करना है मैं ये जानना चाहता हूं कि आज कम से कम इस तरह का कोई दबाव मीडिया चैनलों पर, चैनलों पर नहीं है ना तो मीडिया संस्थानों पर है इस तरह, इस, के, के के इस, तरह इस तरह के इस तरह के इस तरह के घटना क्रमों के कवरेज में लेकिन फिर भी वो न्याय क्यों नहीं कर पा रहे हैं देखिए जो झारखंड में जो छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिपोर्टर्स हैं जो वहां से करते पे दबाव जरूर होगा सरकार की तरफ से दूसरों की तरफ से जो बाहर से लोग जाते हैं उन पर दबाव कम होता है जब हम वहां बैठे कवर करते थे इंडिया टुडे के लिए मैंने बहुत उस वक्त कवर किया है तो हम सारी बात को किसी ना किसी ढंग से कहते थे किसी ढंग से कंटेक्स में कहते थे कोशिश करते थे कि स्टेट और जो जो मिलिटेंट्स हैं इनके दोनों के साथ बात की जाए दोनों से उनका उनका नुकता नजरिया जाना जाए और पूरी बात को कहा जाए ताकि लोगों की समझ में आए वो शांति के लिए भी आगे बढ़ सकता है उसके बाद कमर्शलाइजेशन बहुत हृदय कुछ कहना चाहते हैं इस संदर्भ में हृदय में आपसे कह रहा था जो आपने अभी कहा कि इतना दबाव नहीं है छत्तीसगढ़ का अगर आप एग्जाम्पल लें तो स्टेट इतना रिप्रेशन वहां पर कर रहा है रिपोर्टिंग के लिए कि छत्तीसगढ़ ने 2005 में सबसे पहले सलवा के शुरू करने के साथ ही एक कानून बनाया जिसे छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2005 कहते हैं और वो कानून की अगर मोटे तौर पे एक लेमन के लिए मैं परिभाषा बताऊं वो य, वो आपकी थॉट प्रोसेस को क्रिमिनलाइज डिक्लेयर करता है अगर आप अगर आप किसी आतंक किसी उग्रवादी माओइस से मिलकर अगर आप उसका कुछ रिकॉर्डिंग भी करके ला रहे हैं अगर वो स्टफ आपके पास मिलता है जो आपका जर्नलिस्टिक राइट है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वो भी कहता है कि वो अगर वो सिर्फ कोर्ट में एसपी को ये कहना है हाँ। कि आदमी थ्रेट है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए और आप जेल में चले जाएंगे विनायक सिंह के साथ यही हुआ संक्षेप में आप एक संक्षेप में कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कहा कि पत्रकारों ने जो फेल किया है वहाँ के लोगों को खास करके जो आदिवासी और अन्य जो गरीब लोग हैं उसका सबसे अहम पहलू है कि वहाँ की जो मीडिया है जो इनकी बात में आगे बढ़ाते है वहाँ बड़ी बड़ी जो अखबार है वहाँ पर जैसे दैनिक भास्कर है

हम अंदर जाने का जोखिम नहीं ले रहे हैं आज मीडिया के बड़े संस्थान वहां लोगों को पदस्थापित करने नियुक्त करने का जोखिम नहीं ले रहे हैं सिर्फ पैसे बढ़ाने सिर्फ मुनाफा बढ़ाने की बात अगर है जैसा आप लोग कह रहे हैं तो ये वाकई चर्चा और चिंता का विषय है हम एक छोटे से अंतराल के बाद लौटेंगे और इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को समाज और राजनीति के सामने जब कभी बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं हमारे देश में एक परंपरा रही है राजनीतिकों की तरफ से और एकेडमिशियन की तरफ से इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से कि उन्होंने अखबार और मीडिया का सहारा लिया महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई के समय यंग इंडिया स्वराज हरिजन जैसे अखबारों को सामने लाया और उसके जरिए उन्होंने शांति स्वराज और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी सवाल यह है शेखर कि आज जो माहौल है इसमें मीडिया जो एक शांति स्वतंत्रता और सद्भाव के लिए काम करने की बात है हम ये नहीं कह रहे कई बार मीडिया यह समझता है कि जो स्टेट कह रहा है हम उसी को माने और स्टेट की मशीनरी के तौर पे वो इस्तेमाल हो जाता है कई बार मीडिया मिलिटेंट्स आतंक और उग्रता की जो शक्तियां हैं उनके इशारे पर काम करके उनकी तरफ से इस्तेमाल हो जाता है लेकिन मीडिया का, का काम ये नहीं है मीडिया व्यवस्था का हिस्सा नहीं है मीडिया समाज का हिस्सा है अगर स्तंभ है तो वो समाज का स्तंभ है ऐसे में अगर गांधी के परस्पेक्टिव को आप ध्यान दें जो उन्होंने कहा था उन्नीस में क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं इसमें नहीं हमारा जो मेन काम है मीडिया का काम घटना को तो क्रोनोलॉजी पे उसको दिखाना है बताना है लेकिन साथ साथ कहीं उनका काम ये भी आजकल एक रिक्वायरमेंट है भाई सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस सॉल्यूशन का कम से कम उसका भी एक मिरर दिखा दें क्योंकि बात क्या है जैसे हमने आ, जैसे हमारे सहयोगी यहाँ कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आजकल मीडिया कंपनीज़ का कोई कमर्शियल एंगल्स भी है अगर कमर्शियल एंगल्स इन्वॉल्व है जैसे छत्तीसगढ़ जैसे में तो ऑब्वियसली आप जब सोल्यूशन की बात ही नहीं करते आपको लगता है कि भाई ये कोई कानून व्यवस्था की है सिक्योरिटी की है लेकिन हमने देखा पिछले पैंसठ साल से कम से कम नक्सलवाद जैसे इश्यू में कहीं ना कहीं गरीबी आदिवासी का पिछले पिछला फन ये सब जुड़ा हुआ है लेकिन सोल्यूशन क्या है उस पर डिबेट आगे बढ़ने का संक्षेप में, में हमारे हाँ, पास वाकई बहुत कम वक्त है हम ये जानना चाहते हैं आपसे बस कि जो शेखर बात कह रहे हैं हम कोई रेडीमेड सोल्यूशन की बात नहीं कर सकते किसी भी समाज में लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सच को दिखाएं अगर आप जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसके पीछे की बैकग्राउंड को भी दिखाएं लोगों को सूचित करें तो शायद दबाव बनेगा जो नीति निर्धारक हैं कि इस तरह की समस्याओं को वाकई एड्रेस कैसे जी बिल्कुल मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ को अगर दो हिस्सों में बांटे साउथ छत्तीसगढ़ और नॉर्थ छत्तीसगढ़ माउइस्ट इन्फ्लुंस का एरिया जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो साउथ छत्तीसगढ़ है पर किसी पत्रकार ने कभी इसको हाईलाइट नहीं किया किसी मीडिया ने कि माउइस्ट क्यों नहीं नॉर्थ छत्तीसगढ़ में अपना आंदोलन चलाते हैं जहां पर मिनरल्स की सबसे ज्यादा लूट हो रही है सारा जो कोरबा सबसे बड़ा पावर हब है जांजगीर का इलाका सबसे बड़ी फर्टाइल लैंड है रायगढ़ दुर्ग सबसे ज्यादा लूट इधर हो रही है टाटा जिंदल मित्तल सबके इंटरेस्ट इधर ज्यादा है साउथ छत्तीसगढ़ में सिर्फ टेरेन है और उस टेरेन में बैठ के माओज जो है उनका अपना दो, जो उपदेश है वो चलता है लेकिन उसको कोई एक्सपोज नहीं करता सर गोविंद जी जब मीडिया मोनोलिटिक नहीं है डिफरेंट किस्म का मीडिया है डिफरेंट किस्म के ओनर्स हैं जैसे पंजाब का आपने जिक्र किया पंजाब में जो पंजाब की प्रॉब्लम थी उसमें भी कहीं मीडिया शामिल था प्रॉब्लम क्रिएट करने में पंजाब की प्रेस बहुत ज्यादा जो हिंदी पंजाबी की प्रेस है वो बहुत ज्यादा कम्युनल रही है और उस कम्युनल प्रेस ने ही पंजाब में डिविजन क्रिएट किए हिंदू और सिख और मिलिटेंट सिंह उसको हवा दी बड़ी झूठी खबरें छपती रही बड़ा कुछ छपता रहा दोनों तरफ से और इसी का फायदा सरकार ने भी उठाया और उसको आगे बढ़ाया किसी कंटेक्स में उस मीडिया ने बात नहीं की जो बाहर के या कुछ ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने बहुत समझ के सोचने की कोशिश की, की ये समस्या क्या है उन्होंने इस सिचुएशन को ये हल के लिए भी तलाश किया सब कुछ किया अगर आप छत्तीसगढ़ लें या नक्सलवादी मूवमेंट बंगाल में लें या कहीं भी लें जहां भी पहले थी जब है तो उसमें आप समझेंगे कि उसके पीछे क्या है उसके आगे क्या है लेकिन मीडिया वो जिसको आइडियल सिचुएशन में आप मान रहे हैं मीडिया किसी आइडियल सिचुएशन में नहीं फंक्शन कर रहा उसके अपने है उसकी अपनी बहुत कमियां हैं और उसके अपने ओनरशिप के पैटर्न के हिसाब से प्रॉफिट के हिसाब से अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने क, अपने कम्युनल एंगल के हिसाब से करेगा उसी तरीके से बटा रहेगा हमेशा अगर मेरे इंटरेस्ट मैं मीडिया का ओनर हूं और मेरे इंटरेस्ट वहां पे ये है कि मुझे माइंड चाहिए मुझे और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ऐसे ही पंजाब में था कि मुझे एडवर्टीजमेंट यहाँ से चाहिए गवर्नमेंट की बहुत दिल्ली से और चंडीगढ़ से बहुत एडवर्टीजमेंट का फ्लो होता था जो थोड़े से क्रिटिकल होते थे गवर्नमेंट की तरफ से उनकी बंद कर दी जाती थी जी गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए आ, संदीप मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे छत्तीसगढ़ है जैसे आंध्र है जैसे झारखंड है नॉर्थ ईस्ट है ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो सुदूर के इलाकों में अगर कोई पत्रकार जाता है दिल्ली से

तो आप कोई भी बीट करते हैं तो आप हर स्थिति में उस बीट पे जाते हैं चाहे छोटी इवेंट हो बड़ी इवेंट हो रेगुलर रूटीन ब्रीफिंग हो चाहे उस तरह मगर छत्तीसगढ़ ऐसे इलाके में क्या है कि खास करके टेलीविजन में बहुत सारे यंग बच्चे आए हैं उनको सडली आप एकदम से गांव के किसी परिपेक्ष में उतार देंगे तो उनको वहां समझने में समय लगता है और जब तक नॉलेज जब तक वहां से किसी प्रकार की कंसिस्टेंट स्टोरीज नहीं जाएगी ऑफ ऑल साइडेडनेस आई मीन इन पीस टाइम एंड इन इवेंट्स ऑफ जैसे मैं अभी सुन, अभी देख रहा था रमन सिंह का एक इंटरव्यू रमन सिंह जी ने जो चीफ मिनिस्टर है वहां के उन्होंने माना कि उनके सूबे में बहुत सारे आदिवासी जेलों में बंद हैं और वे विचाराधीन कैदी हैं बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ के जो मुकदमे जो मामले लगाए गए बड़ी कंपनियों के जनरल मैनेजर्स पर उनको जमानत मिल गई लेकिन सोनी सोरी कोडपी को कोड़ी उसको नहीं जमानत मिली उन्हीं मामलों में तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सारी कहानियां हैं जो अंदर की कहानियां हैं जिससे उग्रता आतंक और विद्रोह की जो शक्तियां हैं वो शह पाती हैं या कहीं ना कहीं उनको बल मिलता है यह सारी जो एक हकीकत है आखिर मीडिया उसको सामने लाने में क्यों परहेज रखता है कि पिक्चर जो वही मैं कह रहा हूं कि एक जो टाइम में आप दिखाते हैं वो तो खैर है ही वो तो बहुत ही दिखाना जरूरी है वो न्यूज का फर्ज बनता बट पीस टाइम ऑल्सो जनरल संदीप ने कही उसमें जोड़ना चाहता हूँ जब निवेली डिगनाइट का मजदूरों को निकाला जा रहा था और लगातार हमें ट्रेड यूनियन के लोग फोन करते थे उस खबर को कोई नहीं दिखाता था लेकिन जब किंगफिशर एयरलाइंस में एक फ्लैश एयरलाइन में रिट्रेंचमेंट होता है तो मीडिया में दिन भर चलता है तो यह डिस्गेंटलमेंट जो है ना माउस्ट के रेटरिक के लिए वो कुछ करें ना करें बहुत बड़ा है पॉस्को की खबर जो है जगत सिंह में नॉट ए वेरी गुड एजाम्पल इट्स ए बैड एक्जाम्पल क्योंकि उसे थोड़ी बहुत कवरेज फिर भी मिली लेकिन ऐसी जगह जगह दंतेवाड़ा में लाखों लोग रैली करते हैं कोई उसे कवरेज नहीं देता एक बम जंतर वंतर में मजाक उड़ाते हैं लोग अगर मैं कभी अपने मित्रों से कहता हूँ वो कहते हैं अरे क्या इन लोगों की अगर आप उनका मजाक उड़ाएंगे तो माउस्ट रेटरिक तो अपने

और हम तय कर लेते हैं कि आईपीएल ही बिकेगा नहीं ये भि, ये जो कमर्शियल कवरेज में भी और कमर्शियल इंटरेस्ट में भी उससे थोड़ा हटके थोड़ा सच दिखाए जी सच की खोज में रहे मुझे लगता है बहुत उसमें कवरेज में बदलाव आएगा शेखर की इस बात के साथ हम इस चर्चा का समापन करते हैं कि कोशिश होनी चाहिए मीडिया में कि हम सूचना के प्रति अपनी जवाबदेही निभाएं हम सच के प्रति ईमानदार हों व्यवसाय अपनी जगह है हम बिल्कुल नहीं कहते कि पत्रकारिता मिशन आज है वो एक उद्योग है वो एक व्यवसाय है लेकिन उद्योग और व्यवसाय की भी अपनी नैतिकताएं होती हैं और मुझे लगता है कि यह नैतिकता दरक रही है एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है जोखिम है सच के नजदीक जाना जोखिम है इस बात में कि सूचनाओं को ऐसी जगहों से लाना जहां चारों तरफ तनाव और टकराव का माहौल है लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है अगर टकराव के संघर्ष के इलाकों में वाकई शांति स्वराज और लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करनी है तो ये जोखिम लेना होगा पॉलिटिकल क्लास को ही नहीं मीडिया को भी और मीडिया लोकतंत्र का अगर वाकई एक चौथा खंभा बनना चाहता है हमारी समाज व्यवस्था का तो उसे ये चुनौती जरूर ग्रहण करनी पड़ेगी और कुल मिलाकर आज के डिस्कशन में ये बात उभर कर सामने आई है इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न